नमस्कार, नव भारत टाइम्स ऑनलाइन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अक्षय प्रताप। पेश है अब तक की बड़ी खबरें। डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। 2000 रुपए तक के डिजिटल ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी कि MDR का वहन 2 साल तक सरकार करेगी। ये सुविधा 1 जनवरी 2018 से प्रभाव में आएगी। शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट ने इस फैसले पर मोहर लगाई। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार बैंकों और व्यापारियों को MDR का भुगतान करेगी। डेबिट कार्ड, आधार के जरिए पेमेंट, UPI, भीम ऐप से पेमेंट करने पर सरकार ये राशि वापस करेगी। मोदी कैबिनेट ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकारों का संरक्षण बिल 2017 को मंजूरी दे दी है। इसके लिए जुबानी, लिखित या किसी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से एक साथ 3 तलाक को गैर कानूनी बनाया जाएगा। शुक्रवार को राज्यसभा में विपक्ष के जोरदार हंगामे के बाद हुई मोदी कैबिनेट की बैठक में इस बिल को हरी झंडी दी गई। माना जा रहा है कि सरकार इसे संसद के चालू शीतकालीन सत्र में पारित करवाने की कोशिश करेगी। इसके पहले केंद्र के ड्राफ्ट बिल का 8 राज्यों ने समर्थन किया था। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल 22 अगस्त को दिए अपने फैसले में सदियों से चली आ रही इस इस्लामिक प्रथा को मनमानी और असंवैधानिक करार दिया था। लेकिन इसके बावजूद भी कई जगहों से एक साथ 3 तलाक दिए जाने की खबरें आई हैं। मोदी सरकार के प्रस्तावित बिल में एक साथ 3 तलाक देने की कोशिश करने वाले व्यक्ति को 3 साल कैद की सजा और उसके साथ ही जुर्माना लगाने का प्रावधान भी है। गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंची कांग्रेस को झटका लगा है। दरअसल कोर्ट ने काउंटिंग में दखल देने से इनकार करते हुए पार्टी की याचिका को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि 18 दिसंबर को काउंटिंग के दौरान कम से कम 25% VVPAT पर्चियों को EVM से क्रॉस वेरीफाई किया जाए। याचिका में कहा गया था कि EVM में जो वोट पड़े हैं उनका मिलान VVPAT पर्चियों से किया जाए। गौरतलब है कि गुरुवार को मतदान खत्म होने के बाद ज्यादातर एग्जिट पोल्स में गुजरात में BJP की जीत का अनुमान लगाया गया है। इस पर पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने EVM में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए कहा कि एग्जिट पोल में BJP की जीत इसलिए दिखाई जा रही है कि नतीजे आने पर EVM पर सवाल खड़े न किए जा सके। उपराष्ट्रपति M.V.N.K.Y. ने राज्यसभा के सभापति का पद संभालने के बाद पहले दिन ही संचालन व्यवस्था में बदलाव के कुछ नियम सुझाए हैं। उपराष्ट्रपति ने सभी मंत्रियों और सांसदों से कहा कि सदन पटल पर किसी भी कागजात या रिपोर्ट को पेश करते समय औपनिवेशिक काल के शब्दों के इस्तेमाल से बचना चाहिए। शीतकालीन सत्र के पहले दिन जब मंत्री दस्तावेजों को सदन के पटल पर रख रहे थे तो नायडू ने कहा कि वो सदन को एक सुझाव देना चाहते हैं कि दस्तावेज रखते समय किसी को भी इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए कि मैं विनती करता हूँ। उन्होंने कहा कि बस यही कहिए, मैं दस्तावेज सदन के पटल पर रखने के लिए खड़ा हुआ हूँ। नायडू ने कहा, विनती करने की जरूरत नहीं है, ये स्वतंत्र भारत है, यह मेरा सुझाव है, आदेश नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट ने शरद यादव की राज्यसभा सदस्यता जाने के मामले में दखल देने से इनकार किया है। हालांकि कोर्ट ने आदेश दिया है कि यादव को भत्ते और सरकारी बंगला का लाभ मिलता रहेगा। आपको बता दें कि शरद यादव ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर खुद को राज्यसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के फैसले को चुनौती दी थी। JDU की अपील पर राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 4 दिसंबर को शरद यादव के साथ साथ अली अनवर को भी राज्यसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराया था। अनुष्का और विराट की शादी की तस्वीरें इंटरनेट पर अभी भी छाई हुई हैं। इसी बीच अनुष्का ने अपने हनीमून की एक फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर की है। इसमें विराट और अनुष्का बर्फ से ढकी वादियों में एक साथ नजर आ रहे हैं। तस्वीर से ये साफ नहीं पता चल रहा कि ये जगह कौन सी है। अनुष्का ने अपने पोस्ट में जगह के बारे में कुछ लिखा भी नहीं है। फिलहाल दोनों के परिवार शादी के बाद इटली से भारत लौट आए हैं। अब फैंस को इंतजार है विराट और अनुष्का के भारत लौटने का। गौरतलब है कि 21 दिसंबर को दिल्ली में अनुष्का का रिसेप्शन होना है। दोनों के रिसेप्शन का खूबसूरत इन्विटेशन कार्ड भी खूब वायरल हो रहा है। अब तक के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के साथ। नमस्कार।